नमस्कार, श्रावणीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम का गुच्छा। आम हम सभी को बहुत पसंद है। दो तीन महीने ही मिलता है तो हर तरह का अचार बना लेते हैं साल भर के लिए, क्योंकि आम का अचार को आप किसी भी खाने के साथ परोसने से ये खाने का स्वाद को दुगना कर देता है। आम का मीठा अचार तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन आम का गुच्छा को आप रोटी, पराठा, पूरी, खिचड़ी, भेलपूरी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आम का गुच्छा बनाने बहुत ही इजी होता है, समय भी कम लगता है, आम को धूप में भी लगाना नहीं होता है। सबसे बेस्ट पार्ट, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो देख लेते हैं कैसे बनाता है आम का गुच्छा। आम का गुच्छा बनाने के लिए दो मीडियम साइज का आम लिया है। फ्रेश, खट्टा और टाइट आम होने से अचार अच्छा बनता है। आम सॉफ्ट होने से अचार अच्छा नहीं होता है। आम को दो तीन घंटा पानी में भिगो के रखा, उसके बाद इसे ड्राई करके पोंछ लिया। अभी इसका डंठन काट लिया। आम को अच्छे से छील लेंगे। आम को छीलने के बाद नहीं धोएंगे, क्योंकि पानी ज्यादा लगने से आम जल्दी खराब हो जाता है। आम को पूरे व्हाइट करके अच्छे से छीलना होगा। थोड़ा सा भी छिलका नहीं रहेगा, देख सकते हैं। अभी एक ग्रेटर लेके इसका बड़ा वाला हिस्सा से इसे ऐसे करके ग्रेट कर लेंगे। आपको अगर इजी लगे तो आप इसे काट के सीड्स निकाल के फिर भी ग्रेट कर सकते हैं। मुझे यही आसान लगा। काट लिया सारे आमों को। ग्रेट करने के बाद ये इस तरह दिखने में लगेगा। अभी इसे एक छन्नी के ऊपर रख के ऐसे चम्मच से इसका पानी को निकाल देंगे। अचार को बनाने के लिए हाथ को ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो अचार जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे स्पून से निकलने से ये आसानी से निकल जाता है। हमने दो मीडियम साइज का आम को ग्रेट करके ये बनाया। सारे आम को ग्रेट करने से बहुत ज्यादा हो जाता था। दो मीडियम साइज आम को ग्रेट करने के बाद आप देख रहे हैं इसे छन्नी करने के बाद इतना पानी निकला है और आम हुआ है इतना। ये टोटल 500 ग्राम है। और क्या क्या सामग्री लगेगा देख लेते हैं। दो मीडियम साइज आम का ग्रेट करके ये हुआ है 500 ग्राम। रेजिन का पेस्ट लिया है 2 बड़े चम्मच। अदरक का पेस्ट लिया है 2 बड़े चम्मच। धनिया को रोस्ट करके पाउडर बना लिया, ये लिया है 2 बड़े चम्मच। सौंधा नमक लिया है 2 बड़े चम्मच और नॉर्मल नमक लिया है 2 बड़े चम्मच। या तो आप आपका टेस्ट का हिसाब से नमक को यूज करें। हल्दी पाउडर लिया है 2 बड़े चम्मच, ये प्रिजर्वेटिव भी होता है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है 1 बड़े चम्मच। आपको तीखा ज्यादा पसंद होने से आप और थोड़ा ऐड कर सकते हैं। सरसों का तेल लिया है 300 ml। पीले सरसों लिए हैं 2 बड़े चम्मच। पीले सरसों के जगह में आप राई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पीले सरसों देखने में अच्छा लगता है। और ये है विनेगर। विनेगर लिए हैं 5 बड़े चम्मच। अभी एक ग्राइंडर जार के अंदर पीले सरसों को डाल देते हैं और विनेगर को भी डाल देते हैं। इसे अच्छे से पीस लेंगे। अभी एक अलग बर्तन में ग्रेट किया हुआ आम को डाल देते हैं। इसके साथ सादा नमक को डाल देते हैं, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, धनिया पाउडर को भी मिला देते हैं, हल्दी पाउडर भी डाल दिया। अभी सरसों और विनेगर को मिला के जो पेस्ट बना लिया था वो भी डाल देते हैं। मिर्ची पाउडर भी डाल दिया। अभी सारे चीजों को एक साथ मिला के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे।
अभी एक पैन को गरम करके उसमें तेल को डाल देते हैं। तेल अच्छा से गरम होने के बाद जब बॉयल होना शुरू होगा ऐसे, तब इसे गैस बंद करके ठंडा होने देंगे। तेल पूरे ठंडा होने के बाद ही इसको आम का मिश्रण में डालेंगे। तेल पूरे ठंडा हो चुका है, अभी इसे आम का मिश्रण में डाल देते हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसे एक बड़ा वाला ग्लास कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया। 2 बड़े चम्मच नमक डाल देते हैं और ढक्कन बंद करके इसे बीच बीच में शेक करना होगा। चाहे तो इसे धूप में लगा सकता है, ये धूप में नहीं देने से भी अच्छा लगता है। रेडी हो गया है हमारा आम का कुच्चा। आप भी इसे ट्राई करें और कैसा हुआ है मेरे साथ कमेंट के थ्रू शेयर करें। आपको अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अच्छा अच्छा रेसिपी पाने के लिए श्राबणीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे सारे रेसिपी आप तक इजीली पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी।